हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में बेसिकली हम एनालाइज करने वाले हैं इकोनॉमिक टाइम्स, जो कि आज का है 21 दिसंबर का। सो हम हर रोज़ एक ऐसी वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है उसको एनालाइज करेंगे, ताकि हम फाइनेंस के न्यूज़ से अपडेट रहें, क्योंकि एज ए सी ए स्टूडेंट या एज ए कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम स्टूडेंट हमें टाइम नहीं मिलता न्यूज़पेपर को पढ़ने का। तो इसमें हम क्या करेंगे, सारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको एनालाइज करेंगे। तो आपको बस इस वीडियो को देखना है और बेसिकली अपने दिमाग में रखने कौन सी न्यूज़ कब कब चली हुई है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक टाइम्स में देख रहे हैं, सबसे पहले ही हमारी न्यूज़ फ्रंट में दिखाई गई है। वोबक पिंकस इन टॉक्स टू इन्वेस्ट द 1500 करोड़ इन मेड प्लस। वोबक पिंकस से काफ़ी बड़ा पी फंड है। आई डोंट नो यू नो अबाउट दैट पी फंड। पी इज़ द प्राइवेट इक्विटी फंड, जो बढ़िया अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज़ में, मेनली स्टार्टअप या मैच्योर कंपनीज़ में, ताकि उनको ग्रो कर सके और उसी से वो लोग रिटर्न कमाते हैं। तो वोरबक पिंकर से काफ़ी बड़ा फंड है यूके का। अब इसमें नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सबसे पहले क्या आती है फ्रंट पेज पे, पॉलिसी मेकर्स की न्यूज़ दी गई है। आईबीसी सस्पेंशन लाइकली टू बी एक्सटेंडेड बाय द 3 मोर मंथ। बेसिकली आईबीसी जो सस्पेंशन है वो एक्सटेंड कर दिया गया है 3 और ज़्यादा महीने। सो गवर्नमेंट इज़ लाइकली टू एक्सटेंड द सस्पेंशन ऑफ द बैंकरप्टी कोड। आईबीसी बेसिकली आपको पता होगा, आईबीसी का कोड आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड, 2016 में ये लॉन्च हुआ था। ये क्या बोलता है, तो इस चीज़ को देखते हैं। आईबीसी बेसिकली ये कोड था जो डिफॉल्टर कंपनीज पे एप्लीकेबल होता था, कि अगर आप डिफॉल्टर हो तो आपको आईबीसी का कोड लगेगा। तो इसको एक बार एनालाइज करते हैं हम लोग क्या है। सो द गवर्नमेंट इज सो द गवर्नमेंट इज लाइकली टू एक्सटेंड द सस्पेंशन ऑफ द बैंकरप्टी कोड बाय द अनदर 3 मंथ टू प्रिवेंट द कंपनीज फ्रॉम बी फोर्स इनटू इंसॉल्वेंसी प्रोसेस ड्यू टू अ डेब्ट डिफॉल्ट। बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक्सटेंड करने का जो सस्पेंशन है बैंकरप्टी कोड का, उसको 3 महीने और, ताकि जो बेसिकली आपकी कंपनीज हैं वो इंसॉल्वेंसी से बच सकें और डिफॉल्ट करने से बच सकें, जो कोविड-19 की क्राइसिस के कारण भी हुआ है। द गवर्नमेंट हैज़ सस्पेंडेड द फ्रेश प्रोसीडिंग्स अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी कोड फॉर द लोन डिफॉल्ट ऑन द मार्च 25। सो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने सस्पेंड किए थे फ्रेश प्रोसीडिंग्स को जो आईबीसी के कोड के अंदर हुई थी लोन डिफॉल्ट्स में मार्च 25 को, और जब कंट्री बेसिकली लॉकडाउन में गई थी। सो इसके पीछे थिंकिंग क्या है, जो सस्पेंशन एक्सटेंड किया गया है इकोनॉमी को बेसिकली फुल हील करने के लिए, कि 3 महीने और एक्सपेंड किया जाएगा, कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होगी, क्या पता इकोनॉमी फिर से हील हो जाए, कंपनी ग्रो कर जाए और अपना डिफॉल्ट जो है उनका लोन डिफॉल्ट उसको क्लियर कर सकें। ए फाइनल कॉल विल बी टेकन सून, बेसिकली एक फाइनल कॉल अभी लिया जाएगा। गवर्नमेंट हैज़ सस्पेंडेड द सेक्शन 7, 9, 10 ऑफ द आईबीसी ऑन द मार्च 25 बाय द प्रोमोगुलेशन ऑन द ऑर्डिनेंस एज अ पार्ट ऑफ मेजर टू प्रोवाइड द रिलीफ इन द इंडस्ट्री इन द वेक ऑफ द पेंडेमिक। बेसिकली सेक्शन 7, 9 और 10 में रिलैक्सेशन दी गई है मार्च 5 से, ताकि आपकी रिलीफ प्रोवाइड करा सके इंडस्ट्रीज को। जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन अनाउंस दिस ऑन आफ्टर द नेशनल वाइड लॉकडाउन वॉज इम्पोज एज अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट रिलीफ पैकेज। बेसिकली ये तभी अनाउंस किया गया था जब आपका फर्स्ट रिलीफ पैकेज आया था। डेटा फ्रॉम द केयर रेटिंग शो द केसेज एडमिटेड फॉर द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग फेल टू 161 इन द फर्स्ट हाफ फ्रॉम द 89 केसेज एडमिटेड इन द ईयर अर्लियर। बेसिकली जो डेटा आया हमारा केयर रेटिंग के हिसाब से, रेटिंग एजेंसीज होती है लाइक मोदीज है या S&P ग्लोबल है, सो इसी तरह आपका केयर रेटिंग है वहाँ से एक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से डेटा आया है, जिसमें 161 इन द फर्स्ट हाफ फ्रॉम द 89 केसेज एडमिटेड इन द ईयर अर्लियर ईयर। बेसिकली 89 केसेस में से 181 केसेस हुए थे। दिस कैन बी ट्रिब्यूट टू द सस्पेंशन ऑफ द फ्रेश बैंकरप्टी प्रोसीडिंग फॉर द कोविड-19 डिफॉल्ट। बेसिकली ये ट्रिब्यूट है किसके रिगार्डिंग, आपकी जो बैंकरप्टीज हो रही हैं कोविड-19 डिफॉल्ट के कारण, वो चीज़। पॉलिसी मेकर ऑफ द व्यू डेट अ फर्दर एक्सटेंशन टू रिक्वायर एज द इकोनॉमी इज एक्टिव आंसर ऑन द कंट्रैक्शन एंड द बिजनेस रेट टू लिव फॉर द सम मोर टाइम। सो बेसिकली पॉलिसी मेकर ये सोच रहे हैं कि हमें इस चीज़ का एक्सटेंशन मिलना चाहिए इकोनॉमी को, कॉन्ट्रैक्शन और बिजनेस नीड्स को रिलाइव करने के लिए,
Indian economy shrank the 7.5% in the second quarter against the decline of the 23.9% in the अप्रैल 9 पीरियड. बेसिकली जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीडीपी में काफ़ी गिरावट चल रही है, तो 7.5% श्रैंक हुई थी सेकेंड क्वार्टर में जीडीपी, और 23.9% हुई थी हमारी अप्रैल और जून में. द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया एक्सपेक्टेड टू एमर्ज फ्रॉम द कंट्रैक्शन ऑफ द थर्ड क्वार्टर एंड ग्रो इट बाई 1%. सो रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया एक्सपेक्ट ये कर रही है कि जो कंट्रैक्शन हो रहा है थर्ड क्वार्टर का, वो बेसिकली ग्रो किया जाए 0.1% के हिसाब से. और प्राइवेट इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव टेरिटरी की तरफ जा रहा है बेसिकली फर्स्ट क्वार्टर में. बैंक्स और कंपनीज स्ट्रेस सेक्टर्स में वर्क कर रहे हैं और अपने लोन्स को रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं. तो ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है अगर आईबीसी सस्पेंशन को 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया जाए. काफ़ी बेसिकली आपकी जो कंपनीज हैं वो स्ट्रेस से बाहर आ सकती है. नेक्स्ट देखते हैं. बेसिकली हमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ पढ़नी है जो हमारे लिए रेलेवेंट हो सकती हैं किसी इंटरव्यू के लिए, या किसी भी आप बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट में जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं किसी अच्छी कंपनी के, तो आपसे करंट अफेयर पूछे जाते हैं. तो वो चीज़ हमें देखनी है कि अभी करंट में क्या चल रहा है. सो ये एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है. बिटकॉइन फीवर ग्रिप्स द इंडिया अमिड ग्लोबली रैली. सो द क्रिप्टो करेंसी फ्रेंजी वर्ल्ड वाइज हैज रब्ड ऑफ इंडियन इन्वेस्टर टू. सो क्रिप्टो करेंसीज ने बेसिकली वर्ल्ड वाइड इंडियन इन्वेस्टर्स को भी रब किया है. विद द प्राइस ऑफ द बिटकॉइन द मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी सोरिंग ऑफ द रिकॉर्ड हाई ऑफ 23,000 डॉलर एंड ब्रिंगिंग इज रिटर्न इन सो फाइनल 2020 टू ऑर्डर 200%. सो मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी तो हमारी बिटकॉइन सी है, जिसकी वैल्यू एज हाई एज 23,000 डॉलर हो गई है और 200% का रिटर्न दे रही है 2020 में. लोकल रिटेल एंड रिच इन्वेस्टर आर फ्लॉकिंग टू दिस अनरेगुलेटेड न्यू एज एसेट डिस्पाइट एक्सपर्ट वार्निंग अबाउट द एबिट प्राइस रिवर्सल. सो जो आपके रिटेलर्स हैं या रिच इन्वेस्टर्स हैं, इस एसेट की तरफ काफ़ी भाग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वार्निंग दे दी गई है कि इसके प्राइस रिवर्स हो सकते हैं, तब भी वो लोग भाग रहे हैं. ओवर अ मिलियन न्यू इन्वेस्टर्स हैव फ्लोक टू बिटकॉइन मार्केट इन द 6 मंथ टेकिंग द टोटल इन्वेस्टर बेस फॉर द न्यू एज एसेट इन इंडिया टू 5 to 6 मिलियन. बेसिकली आपके ओवर ए मिलियन, 1 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टर मार्केट में आए हैं बिटकॉइन मार्केट में 6 मंथ में, और 5 to 6 मिलियन इसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू वेरियस इंडस्ट्री एस्टिमेट्स. और जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं इनकी ग्रोन मल्टीपल फोल्ड विद द एवरेज डेली टर्न ओवर अराउंड द 80 मिलियन. सो बेसिकली ट्रेडिंग वॉल्यूम हर रोज़ के 80 मिलियन के करीब है इसके. द ग्लोबली रैली इन द बिटकॉइन अलॉन्ग विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अर्लियर दिस ईयर क्वेशिंग एन अर्लियर. सो बेसिकली आपकी जो बिटकॉइन है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग इस साल काफ़ी तेजी से क्वैश कर रही है, गिर रही है. द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया बैन ऑन द क्रिप्टो करेंसीज हैज कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस यूरोपिया लोकली. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली बैन किया क्रिप्टो करेंसीज को कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए, और वी आर सीइंग दैट द फ्लो ऑफ द बोथ रिटेल एंड द हाई नेट इन्वेस्टर्स बाइंग द क्रिप्टो करेंसी. हम और लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो आपके दोनों रिटेल और नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं, HNIs हैं, सारे के सारे क्रिप्टो करेंसीज की तरफ काफ़ी भाग रहे हैं. सो 2020 बेस्ट ईयर फॉर IPO लिस्टिंग फॉर द डेलिंग्स. पब्लिक लिस्टिंग ऑन द लेटर हाफ ऑफ द ईयर गेव एन एवरेज गेन ऑफ 25% फर्स्ट डे कम्पेयर टू 2007. सो ये बेसिकली कब पब्लिक लिस्टिंग के लिए काफ़ी बेटर हो सकता है. अगर आप ग्रोथ देखो तो परसेंटेज के हिसाब से बिटकॉइन की 222% की ग्रोथ हुई है. अभी इसमें 60.3% गिरा था है, 2100% की रिटर्न मिल रही है इस पर, 101% की और 37% की इसके हिसाब से. बाकी सब देखो और ये देखो. सो बेसिकली ये क्रिप्टो करेंसी एक तरह से मिथी बता सकते हो आप इसको, कब गिरा देंगे कब उठा देंगे, तो कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता इस चीज़ के बारे में. तो ये भी एक तरह से है क्योंकि इस पर कोई रेगुलेशन तो है नहीं किसी का भी.
ये एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है। पाक चाइना जॉइन द हैंड्स अगेंस्ट द इंडिया एट द यूएन यूजिंग द टीटीपी बोगी। इस्लामाबाद मूव द यूएन पैनल सेपरेटली टू गेट द टीटीपी चौधरी डी लिस्टेड। सो वाइल द पाकिस्तान एंड द चाइना हैज माउंटेड अ मैसिव डोजियर डिप्लोमेसी एट द यूनाइटेड नेशन सीकिंग टू लिंक द टेररशिप ग्रुप थेरिक आई तालिबान विद द इंडिया। बेसिकली पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें चाइना के साथ हाथ मिला लिया है और ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है यूएन में जो टेररिस्ट ग्रुप है थेरिक आई तालिबान वो बेसिकली इंडिया के साथ है या इंडिया से उसके लिंक है। इट हैज़ एम एस द इस्लामाबाद हैज सेपरेटली मूव टू द यूएन कमेटी टू गेट द हार्ड कोर टीटीपी टेररिस्ट अमर अली चौधरी। सो बेसिकली जो इस्लामाबाद है उसने बेसिकली यूएन में ये सेंक्शन किया है कि जो आपका अमीर अली चौधरी है टेररिस्ट है वो इज़ इन्वॉल्व इन द फेल 2000 टेरर अटैक ऑन द टाइम्स ऑफ स्क्वेयर इन द न्यूयॉर्क। सो जो जो बेसिकली इन्वॉल्व था किसमें 2010 टेरर अटैक में टाइम्स स्क्वेयर जो बिल्डिंग थी न्यूयॉर्क में उसमें। सो पाकिस्तान ऑफिशियली रिक्वेस्टेड टू यूएन कमेटी इन दिसंबर टू डू लिस्ट द थ्री ऑफ इट्स नेशनल्स ऑफ इट चौधरी केसेस रेस्ट आईब्रोज। सो पाकिस्तान ऑफिशियल रिक्वेस्ट की है कि यूएन कमेटीज को कि डीलिस्ट करे इन तीन नेशनल्स को जो चौधरी के केस से रिलेटेड हैं। एंड द सोर्स सेड द पार्ट ऑफ द इस्लामाबाद एफर्ट टू प्रोन इट्स ओन डोमेस्टिक लिस्ट अकॉर्डिंगली। और बेसिकली सोर्सेज ये भी बोलते हैं कि जो इस्लामाबाद के एफर्ट्स हैं इसके रिगार्डिंग वो बेसिकली डोमेस्टिक लिस्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। चौधरी इज़ एन एक्सप्लोरेटरी एफर्ट हु हैड आइडेंटिफाई बाय द यूएन। बेसिकली चौधरी के एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट है जो बम फोड़ने वाले बंदे होते हैं और आइडेंटिफाई किया गया यूएन के द्वारा एज ए लीडिंग टीटीपी एफर्ट टू डेवलप ए केमिकल पॉइजन जिसने बेसिकली एक केमिकल पॉइजन बनाया था है साउंड द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और उसको बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज भी है। लेकिन ये इंडिया के लिए काफ़ी बेकार चीज़ हो सकती है अगर ये लोग ये प्रूव कर देंगे वहाँ पे। ये लोग मिलके ये कोशिश कर रहे हैं साजिश कर रहे हैं इससे यूएन में इंडिया की काफ़ी बेइज्जती हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑटोकोस सीज द रिबाउंड इन द 21 वॉल्यूम इन द पीवी इंडस्ट्री में क्लाइम टू 2.8 मीटर फ्रॉम द 2.1 एम इन दिस ईयर। This calendar year may not have the set the sales chart on fire, but the Indian automaker expect a rebound that should push the industry unit volume by about a 6 in the 2020-21. So basically, इस year आप ये नहीं देख सकते sales का chart बढ़ेगा, लेकिन Indian automakers इस चीज़ को rebound करने की कोशिश कर रहे हैं और वो basically 2021 को एक better year मान रहे हैं। Next year, the volume on the passenger vehicles industry could climb to 2.8 million units from the 2.43। सो नेक्स्ट ईयर 2.8 मिलियन तक जबकि यूनिट्स गाड़ियाँ बिक सकती हैं अभी 2.3 मिलियन है। मोस्ट ऑटो कंपनीज हैव अनाउंसड दैट द प्राइस नॉट इंक्रीज जनवरी ऑनवर्ड। बेसिकली काफ़ी सारी कंपनीज ये भी अनाउंस करती है कि प्राइसेस बढ़ नहीं रहे हैं जनवरी से। इन द रीजन ऑफ द 3-7% फेस्टिवल सेल्स फॉर बियॉन्ड द ब्रिंगिंग इन मच नीडेड चीयर बट द सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन करंटली फेस बाय द बिग एंसिलरी कंपनीज। बेसिकली इस टाइम पे क्या है सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन काफ़ी फेस कर रही हैं बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक बोश एक्सेट्रा वहाँ से सप्लाई चेन बेटर नहीं हो पा रही है। एक्सपर्ट्स सेड दैट द 2020 हैज द मोर देन 5% राइज फ्रॉम द कमोडिटी प्राइसेस ऑफ द स्टील रबर एंड द बेस मेटल। बेसिकली 2020 में ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए हैं स्टील के रबर के और बेस मेटल्स के और OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैज स्टॉप द शॉर्ट ऑफ टेकिंग ए प्राइस हाइक दिस ईयर। सो जो आपके OEM मैन्युफैक्चरर्स हैं उन लोगों ने भी प्राइस हाइक लेने से मना कर दिया। दे आर लाइकली टू पेस ऑन द मेजर कॉस्ट इन द क्रिसिस टू करने में ये कस्टमर पे ज़्यादा कॉस्ट हो सकती है। अब और वो पिंकस वाला मैं डिस्कस कर लिया था मेडिप्लस में इसने इन्वेस्ट किया है तो बेटर हो सकता है।
Farfus drags the Bombardier's foreign to the court. Start up big tech need to start attacking. कोई अच्छी बेस्ट नेम तो है नहीं अभी. तो अभी बेसिकली जो अच्छी न्यूज़ थी ये यही थी. एक बार ये पढ़ते हैं, ये काफ़ी बेटर लग रही है. CIA सजेस्ट द मल्टीपल बैड बैंक्स. द कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री CII हैज़ पिस्ट फॉर द क्रिएशन ऑफ द मल्टीपल बैड बैंक्स एब्जॉर्ब द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स. बेसिकली CII ने ये पिच किया है द क्रिएशन ऑफ द मल्टीपल बैड बैंक्स. बैड बैंक्स को बनाओ ताकि वो NPs को रिकवर कर सके पब्लिक सेक्टर की. ए मूव डेट इट चेंज इट विल एनेबल द बेटर क्रेडिट फ्लो टू द इकोनॉमी. सो इससे भी एक बेटर क्रेडिट फ्लो होगा अगर NPs आएंगे हमारे. इन ऑर्डर टू ऑगमेंट द इफेक्टिवनेस ऑफ द दीज बैड बैंक्स CII हैज़ द पार्ट ऑफ इट्स बजर सजेशन. बेसिकली इन सब के अलावा जो CII क्या कर रहा है, एक बजट सजेशन भी दे रहा है. एंड रेकमेंड द गवर्नमेंट टू कंसिडर द एनेबलिंग द फॉरन फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स. सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन भी ये भी बोल रहा है कि इसकी वजह से हमारा जो फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी आएंगी ताकि परचेज करा किया जा सके NPL को. सो इन द आफ्टर मैथ ऑफ द COVID-19 इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ रिजोल्यूशन टू मैकेनिज्म थ्रू ए मार्केट डिटरमाइंड प्राइस डिस्कवरी. सो इस आफ्टर मैथ ऑफ द COVID-19 के बाद ये इंपॉर्टेंट हो गया कि रेजोल्यूशन लिया जाए मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग और मार्केट को इस हिसाब से डिटरमाइन किया जाए. जो CII है डोमेस्टिकली मल्टीपल बैड बैंक्स है उसमें जो एड्रेस कर रहे हैं इशूज़ को ट्रांसपेरेंट मैनर में और बेसिकली जो आपकी क्रेडिट साइकिल्स हैं उसको एक्शन में लिया गया. सजेशंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया के हिसाब से वो प्रपोज किए गए हैं और रेगुलेटेड एंटिटीज़ परमिट कर रही हैं परचेज करने के लिए NPEs के. एक बैड बैंक है, एक एंटिटी होती है सेटअप विच बेसिकली इम्पोर्टेंट है आपके लिए बैड बैंक वाला कंसेप्ट. ए बैड बैंक हैज़ द एंटिटी सेटअप ऑफ्टर विद द गवर्नमेंट गारंटी टू परचेज द NPA फ्रॉम द बैंक एट द मार्केट प्राइस. सो बैड बैंक क्या करते हैं, एक सेटअप होती है, एक गवर्नमेंट एंटिटी होती है जो परचेज करती है NPA बैंक से मार्केट प्राइस पे एंड द बैलेंस शीट ऑफ द लेंडर्स टू इम्प्रूव देयर फंड रेजिंग कैपेबिलिटीज. और बेसिकली आपकी जो लेंडर्स हैं इम्प्रूव करते हैं फंड रेजिंग कैपेबिलिटीज़ को, जो इंक्रीज़ करते हैं आपकी एबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए क्रेडिट और बिजनेस एसेट्स को. NPS को सेलिंग किया जाता है बैड बैंक को, इम्प्लाई करता है कि लेंडर एक हेयर कट ले इन लोन्स के रिगार्डिंग और इनको सर्टेन अमाउंट ऑफ द रिस्क पे वापस लेके आए. सो ये काफ़ी सही चीज़ हो सकती है. तो इसमें बेसिकली गाइस इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो यही थी जो हमने सारी कवर कर ली है. सो आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लिए ताकि आपके लिए बेस्ट रहे, क्योंकि हर एक चीज़ में करंट अफेयर्स ज़रूर पूछी जाती है. चाहे आपका आप किसी पर्सनैलिटी टेस्ट में जा रहे हो या किसी MBA के लिए इंटरव्यू दे रहे हो या इवन आप CA की जॉब के लिए इंटरव्यू भी दे रहे हो, तब भी आपको करंट अफेयर्स से आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है मार्केट में अभी. सो यही था वीडियो के लिए बेसिकली. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं. और हमने CA और काफ़ी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लेक्चर भी हमने चैनल पर डाल रखे हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं और फ्री में काफ़ी सारा फ़ायदा उठा सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.